एमपी अजब है, एमपी गजब है। मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने राज्य के पर्यटन क्षेत्रों के प्रचार प्रसार के लिए जब इन लाइनों को चुना होगा तो शायद ही गुमान हो कि ये ऐतिहासिक बन जाएंगी। एमपी में जो ना हो सो कम है। राज्य ने आज एक और ऐतिहासिक शिखर को छुआ है। एमपी में पेट्रोल में आग लग गई है। देश में सबसे ऊंची कीमतों पर पेट्रोल एमपी में ही बिक रहा है। अनूपपुर जिले में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई। दूसरे नंबर पर बालाघाट जिला रहा, जहां पर 118 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। एक महीने के अंदर ही 18वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल पर 36 पैसे की हालिया बढ़ोतरी हुई है। ये तो ओपन सीक्रेट है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से थोक और खुदरा महंगाई दोनों पर असर पड़ता है, लिहाजा महंगाई डायन का मुंह और बड़ा हो गया है। आम आदमी की झुकी हुई कमर और झुक गई है, पर बाँछें केंद्र और राज्य सरकारों की खिल गई है। भारी टैक्स के चलते पेट्रोल और डीजल की दरें इस महीने अपने उच्चतम कीमत पर हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही पेट्रोल की खुदरा कीमत का 55% और डीजल पर 50% टैक्स लगाते हैं, जबकि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर का एक फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। मध्य प्रदेश देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक सेल्स टैक्स या वेट 31.55 रुपये प्रति लीटर वसूलता है। पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल टैक्स से 2,429 करोड़ रुपए वसूले हैं। जनवरी 2021 से जून 2021 तक पेट्रोल पर 1,033 करोड़ रुपए वसूले हैं, डीजल पर 1,395 करोड़। 2020-21 में सरकार को पेट्रोल से 5,217 करोड़ रुपए और डीजल से 6,690 करोड़ रुपए मिले थे, पर आम जनता को क्या मिला? सिर्फ परेशानी। ऐसे में सवाल यह है कि पेट्रोल की कीमतें हर महीने क्यों बढ़ रही हैं? आखिर तेल कंपनियों को इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या कारण है जिनके चलते पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं? क्यों नहीं आम आदमी की जेब का ख्याल रखा जाता? क्या सरकार आम आदमी के बारे में सोचना भूल गई है? मानो सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब सब कुछ तेल कंपनियों के हाथ में है, पर टैक्स वो तो सरकार के हाथ में है। फिर क्यों कीमतें बढ़ने पर हाय तोबा की आवाज सरकार के कानों में नहीं रेंगती? मध्य प्रदेश सरकार कम से कम वेट कम करके थोड़ी राहत तो पहुंचा ही सकती है। हर भांजा भांजी का ख्याल रखने का दावा करने वाले मामा इस बारे में आखिर क्यों नहीं सोचते? इसलिए अब सब कहते हैं एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो अब तक अगर आपने टाइम एट मध्य प्रदेश सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना मत भूलिए।